नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। 21 जून है, थर्सडे का दिन है। राहु काल का समय आज 1:43 PM से लेकर 3 PM तक का रहेगा। कोशिश कीजिएगा ट्रैवलिंग करना अवॉइड करें समय के बीच में, या कोई भी शुभ कार्य करना अवॉइड करें। इसी के साथ बताऊंगी आपको कि कार्ड्स के हिसाब से आज का दिन कैसा रहने वाला है, साथ ही में जानेंगे कुछ खास उपाय। लेकिन उससे पहले बात करूंगी आपसे कि हिंदुइज्म में कई सारे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, लेकिन सिर्फ आप उसे जस्ट फॉलो ही करते जाते हैं। उसके पीछे का जब तक आपको रीज़न, या यूं कहूँ कि साइंटिफिक रीज़न नहीं पता, तब तक आप उसको सही तरीके से नहीं फॉलो करते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप किसी को ग्रीट करते हैं तो आप इस तरह से उन्हें नमस्कार करते हैं, क्योंकि नमस्कार करने में ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो पाम्स हैं और जो आपके फिंगर्स हैं एक दूसरे के साथ, उसकी जो टिप्स हैं एक दूसरे के साथ प्रेस करें, एक दूसरे को टच करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी ईयर, आपका आइज़ और साथ ही में आपका जो माइंड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसके प्रेशर पॉइंट्स यहाँ आपके फिंगर्स के टिप्स पे होते हैं। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो सामने वाले को आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसके अलावा आपका मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ता है इससे। तो ये तो बात हुई नमस्कार करने की। दूसरी चीज़ है कि कई लोग होते हैं आजकल, जब आप किसी के पैर छूते हैं, किसी के फीट टच करते हैं, तो बहुत उनके पैरों को स्पर्श नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर, देखिए इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपके बॉडी में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो कहाँ पर आकर एंड होती हैं? आपके या तो हैंड्स के टिप्स पर आकर, या आपके टोज के टिप्स पर आकर एंड होती हैं। तो उसके एंड पॉइंट्स माना जाता है। साथ ही में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो एक तरह से एनर्जी रिलीज करते हैं। जब भी आप किसी के पैर को छूते हैं, वो इंसान, उसके इंसान के अंदर, वो ओल्ड होना चाहिए, आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो पायस इंसान है, यानी कि बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। तो जब भी आप किसी को ग्रीट करते हैं तो आप उनके चरण स्पर्श जब करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए उनके पैरों को पूरी तरह से आप टच करें। तभी आपकी जो एनर्जीज होंगी वो आपकी जो आपकी खुद की एनर्जीज होंगी वो एज अ रिसेप्टर की तरह एक्ट करेंगी, और सामने वाला एज अ गिवर की तरह एक्ट करेगा। तो चलिए इसी को जानकारी के साथ अब दिन की शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में। फर्स्ट कार्ड, पहला मेष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स एंड द फाइव ऑफ कप्स इज द सेकंड कार्ड। तो आप लोगों के लिए आज के दिन में तनाव बढ़ सकता है। जी हाँ, एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें फैमिली मैटर्स की, तो परिवार और दोस्तों के बीच भी इस आज के दिन में मन मुटाव ज़्यादा रह सकता है। सरकारी पक्ष से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मेष राशि वालों को आज के दिन में कहीं ना कहीं पर लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, और मे बी आपका कोई बना बनाया काम हो, आपकी खुद के डिसीजंस की वजह से वो बिगड़ जाए। थोड़ा सा केयरफुल रहकर चलिए। लेकिन व्यवसाय की बात करें, जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज के दिन में कोई ना कोई डील्स अगर आप फाइनलाइज करते हैं तो उसमें आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से थोड़े से कम रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि लाभ की स्थिति तो बन रही है, लेकिन लाभ थोड़ा सा कम होगा। इसी के साथ, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है, आप लोगों को क्या उपाय करना है? पीले रंग की चीज़ों का या पीले रंग के मिष्ठान का आपको किसी भी नीडी पर्सन को दान देना है। चलिए बात करते हैं टॉरेंस की। पहला कार्ड निकल रहा है 10 of Swords एंड द सेकंड कार्ड इज मजिशियन। अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ें होंगी, तो वृषभ राशि वालों को आज हर चीज़ के लिए प्री प्लान रहने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से ही प्री प्लानिंग्स नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट पर जाकर आपके लिए चीज़ें बहुत जल्दबाजी में आप हो सकता है उस तरह से करेंगे। इसके अलावा कोई पुराना पैसा आपको वापस मिल सकता है, किसी को आपने कर्जा दिया हुआ था, पैसा दिया हुआ था, वो वापस नहीं मिल पा रहा था, तो आज के दिन में वापस आने की पूरी पूरी उम्मीद है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी आज का दिन अच्छा है। आप लोगों को क्या उपाय करेंगे? शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। ऐसा करने से धन का आगमन जल्द होगा। मिथुन राशि, पहला कार्ड निकल रहा है 2 of Cups एंड द सेकंड कार्ड इज रिवर्स ऑफ पेज ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए इस विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, और मे बी जिसकी वजह से आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं आपके काम के लिए, आपके बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। इसी के साथ आने वाले टाइम में भी आप कुछ बड़ा करने के बारे में प्लानिंग्स कर सकते हैं। अगर बात करें रिलेशनशिप्स की, तो रिश्तों के लिहाज से आज थोड़े से मनमुटाव दिखाई दे रहे हैं, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप काम की वजह से अगर अपने रिश्तों को निग्लेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए दोनों में बैलेंस बना करके चलें। आज के दिन में क्या उपाय करना है? आप लोगों को सुबह उठकर के सूर्यदेव की उपासना करनी है। इसके अलावा आज कोशिश कीजिए किसी भी गौशाला में जा करके
आप दान कर दीजिए, कुछ भी डोनेशंस आप लोग कर दीजिए। चलिए बात करते हैं किनसे एवंस की। पहला कार्ड एस ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज मून। आप लोगों के लिए आज कुछ ना कुछ दुर्घटना होती हुई नज़र आ रही है, तो आप लोगों को अगर वाहन चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। इसके अलावा मशीनरी के प्रयोग में भी थोड़ी सावधानी बरतनी है आप लोगों को। जैसे मैंने कहा द मून कार्ड निकला है, दैट मीन्स आज मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा लगे रहेंगे आप लोगों के लिए। आज बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन में जाने वाली हैं, तो कोशिश करना है आप किसी ऐसे इंसान से बातचीत करें जो कि आपका वेल विशर हो, आपको एज अ मेंटोर वो गाइड कर सकता हो। दूसरी चीज़ ये है, आज के दिन में अगर इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो शाम के बाद कीजिएगा, आफ्टर 4 PM कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो उपाय क्या करना है, आज शाम के समय आपको तुलसी का पत्ता शालिग्राम जी पर अर्पित करना है। चलिए बात करते हैं लियोस की। पहला कार्ड निकल रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वांड्स। तो लियोस को आज के दिन में प्रमोशन मिलने के प्लान्स नज़र आ रहे हैं, तो प्रमोशन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। कहीं ना कहीं पर चीज़ें थोड़ी सी जल्दबाजी में होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आप मे बी जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे, या फिर आपके आस पास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देंगे इन सब चीज़ों से, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी दिखाएंगे। तो कोशिश करनी है अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा संयमित रहकर कोई बड़ा फैसला करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें मनी मैटर्स की, तो ट्रांजैक्शंस करते वक्त आज थोड़ी सावधानी बरतिए, और ख़ास तौर पर जो लोग व्यापारी हैं या लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी है ट्रांजैक्शंस में। आज क्या उपाय करना है, आप लोगों को पीले रंग की खाने की सामग्री या पीले रंग का कोई भी मिष्ठान हो गया, आपको किसी भी नीडी पर्सन को या फिर मंदिर में जाकर के आप डोनेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज लवर्स। तो आज का दिन आप लोगों को कोई शुभ समाचार, जी हाँ, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात करें मनी मैटर्स की, तो आज का दिन जो है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा नहीं है। साथ ही में किसी को कर्जा देने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी है। इसके अलावा आज अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आउटपुट आपका उतना अच्छा नहीं रह पाएगा। तो कोशिश कीजिए आप अपने कैलिबर को समझ के ही, पहली चीज़ तो अपना कोई भी आने वाले समय में कोई भी प्रोफेशन चुनने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अपने कैलिबर को समझ के ही उसकी शुरुआत कीजिए। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, तो आज कोशिश करें कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को मेंटेन रखें। उसके लिए क्या उपाय करना है, आज सुबह उठकर के सूर्य देव की उपासना करना काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो बात करते हैं लिब्रंस की। पहला कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स एंड द सेकंड कार्ड इज टावर। आज तो आज का दिन जो है लिब्रंस को बहुत सोच समझ कर कोई बड़ा डिसीजन लेना है। दूसरी चीज़ है, आज नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप लोगों से बातचीत ढंग से नहीं कर पाएंगे, या फिर मे बी अपने फ्रेंड सर्कल में भी उतना अच्छा आप नहीं टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, अपने थॉट्स को, अपने आउटलुक को थोड़ा सा पॉजिटिव करें। आज के दिन में तुला राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स या फिर अपनी पर्सनल बातों को किसी बाहर वाले के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। उपाय करेंगे क्या, आज अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर कोशिश कीजिए अपने घर के वॉशरूम्स में आप नमक का पानी भर करके रखेंगे कांच के बोल में। ऐसा करने से आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं और जो एंग्जाइटी लेवल्स हैं वो खत्म होंगे। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियस की। पहला कार्ड निकल रहा है द हाई प्रीस्टेस एंड फोर ऑफ वांड्स। तो आप लोगों के लिए आज आत्मबल आपका बढ़ेगा, इसी के साथ विरोधी जो है वो भी परास्त होंगे। नौकरी में भी थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है आप लोगों के लिए, तो कोशिश करनी है आज आप खुद को स्टेबल रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। साथ ही में आज व्यवसायिक लाभ और आपकी साख भी बनेगी। तो कुल मिलाकर के आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। आज क्या उपाय करेंगे, किसी भी मंदिर में जाकर के केले का दान करना बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो आप लोगों के लिए पहला कार्ड निकल रहा है द चैरियट एंड द सेकंड कार्ड इज थ्री ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए आज मान सम्मान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसी के साथ राजकाज में सफलता मिलेगी, या जो लोग सरकारी नौकरी के पक्ष से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। प्रमोशन के प्लान्स भी दिखाई दे रहे हैं, और सीनियर्स आपकी तरफ ज़्यादा एक तरह से सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा व्यवसाय में थोड़ा सा धन लाभ की स्थिति नज़र आ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ लॉसेस भी नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग खुद का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में लॉसेस ज़्यादा आपको फेस करने पड़ सकते हैं। घर में शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि अभी तक जो वाद विवाद वाली स्थिति चल रही थी उससे आपको निजात मिलेगी। आज धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने आप से इनिशिएटिव्स लेने का प्रयास कीजिए रिलेशनशिप्स के अंदर। इसी के साथ आज उपाय करना है आप लोगों को, लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग का कोई भी मसलिन क्लॉथ आपको दान करना है।
बात करते हैं मकर राशि वालों की। पहला कार्ड 9 of Swords एंड द सेकंड कार्ड इज द Temperance। तो आज का दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि आज हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, किसी इश्यूज़ को लेकर कोई बातचीत रह सकती है। व्यवसाय में लेकिन धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा मन अशांत रहेगा आपके कामकाज की वजह से या जो लोग जॉब में हैं इसकी वजह से। आज के दिन में मकर राशि वालों को ध्यान रखना है कि सुबह के समय में ट्रैवलिंग नहीं करनी है, यात्रा नहीं करनी है। इसके अलावा आज कोशिश करें अपने थर्ड आई चक्र पर चंदन से तिलक लगा करके दिन की शुरुआत करेंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 of Wands आप लोगों के लिए कार्ड निकला है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपसे ये कह रहा है कि आज आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी चीज़ों की, काम को करने की। इसके अलावा कार्य विशेष में कुछ ना कुछ सफलता मिल सकती है। आज कोई खास ऐसा काम करने के बारे में सोचा हुआ है, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नौकरी में आज बहुत मन लगा करके कोई भी कार्य करेंगे। और अगर बात करें आपके लिए व्यवसाय की, तो उसमें लाभ की स्थिति नज़र आ रही है। आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, आपका फोकस बढ़ाने के लिए आज कोशिश कीजिए गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। और आप सभी लोग कुंभ राशि वाले लोगों को आज ज़रूरी है कि ओम मंत्र का उच्चारण सुबह उठ करके करेंगे तो बेहतर रहेगा। मीन राशि, पहला कार्ड निकल रहा है 3 of Pentacles एंड द सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आज धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी आप लोगों की। जी हाँ, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे। मे बी किसी धार्मिक यात्रा पर आप लोग जा सकते हैं। बहुत समय से अगर जो चिंता के विषय में आप सोच रहे थे, उसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे थे, आज उससे मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसायिक स्थिति और उसमें लाभ की स्थिति नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आज किसी से कोई डील फाइनलाइज करते हैं तो कोशिश कीजिए आफ्टर 4 PM करेंगे, या कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो आफ्टर 4 PM करेंगे। इसके साथ मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में क्या उपाय करेंगे, केले के वृक्ष की उपासना करनी है और केले के पेड़ में आपको दीपक जलाना है। संध्या काल के समय जलाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और कल भी बात करेंगे आपके दिन के हाल के बारे में, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।